हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। सो सीआरपीसी के अगले धारे को हम लोग देखते हैं। धारा 29(3), इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि द्वितीय स्तर का जो मजिस्ट्रेट है वो 1 वर्ष तक सजा दे सकता है या 5,000 जुर्माना दे सकता है। क्या 5,000 जुर्माना दे सकता है। अब ये द्वितीय और प्रथम स्तर के मजिस्ट्रेट को हम लोग समझ सकते हैं। जिला में जो जिला न्यायालय होते हैं वहां पर मजिस्ट्रेट या कह सकते हैं वहां पर जो न्यायाधीश होते हैं उनमें एक रैंक होता है। क्या रैंक होता है? जैसे सेशन न्यायालय, जिला न्यायालय। अब जिला सेशन न्यायालय में आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो वहां पर कोई निर्णय दिया गया, निर्णय से आप अगर संतुष्ट नहीं है तो आप जिला मुख्य न्यायाधीश, जो जिला न्यायाधीश है वहां आप जा सकते हैं। क्या आप वहां जा सकते हैं? यानी जिला न्यायालय में ही आपको दो रैंक देखने को मिलेगा। क्या दो रैंक देखने को मिलेगा? उसके बाद आप उच्च न्यायालय जाए। तो उसी तरह प्रथम स्तर का मजिस्ट्रेट, द्वितीय स्तर का मजिस्ट्रेट और तृतीय स्तर का मजिस्ट्रेट होता है। ये क्या होता है? रैंक है न्यायाधीशों की। क्या है? जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की रैंक है। ठीक है, उसी रैंक के अनुसार इन्हें शक्ति दी गई है कि वो कितना दंड दे सकते हैं और कितना जुर्माना दे सकते हैं। ठीक है, धारा 36 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, क्या जो जिला में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है उसकी शक्ति के बारे में बताया गया है। क्या उसकी शक्ति के बारे में बताया गया है? तो ये क्वेश्चन आपकी यूपीएसआई में इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है धारा 37। धारा 37 में बताया गया है कि कोई भी नागरिक है, क्या कोई भी नागरिक है तो वो कब कब मजिस्ट्रेट या पुलिस के पास जाकर मदद मांग सकता है। क्या कब कब पुलिस के पास जाकर मदद मांग सकता है? अगली धारा 39 है। धारा 39 में क्या बताया गया कि अपराधों के बारे में सूचना दिए जाने के, यानी कि कोई अपराध होने वाला है, कोई सूचना दे रहा है तो वो धारा 39 में बताया गया। धारा 39 में अगली धारा है 41। 41 धारा क्या कहता है? बिना वारंट के पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है। क्या बिना वारंट के पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है? इसे किसमें कहा गया? धारा 41। धारा 41 ग या सी में यह कहा गया कि राज्य यानी सरकार, राज्य सरकार जिला में कहीं भी पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित कर सकती है। क्या जिला में कहीं भी पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित कर सकती है? तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 41 घ यानी डी, इसमें क्या बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं, क्या किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो उसे अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार होगा। क्या आपने कोई अपराध किया, अब अपराध किया आपने, पुलिस आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया, अब आपने कोई भी अपराध किया हो आप तब तक दोषी नहीं रहे होंगे जब तक न्यायालय आपको, यानी न्यायालय आपको क्या यह पुष्ट ना कर दे कि इस व्यक्ति ने अपराध किया। सभी लोगों ने देखा आपको, अपराध आपने किया, लेकिन जब न्यायालय कहेगा कि हाँ आपने अपराध किया तभी माना जाएगा कि आपने अपराध किया। अब आप वकील रखकर यह प्रूव करना चाहते हैं कि मैंने अपराध नहीं किया तो दूसरा पक्ष होगा वो प्रूव करने की कोशिश करेगा कि आपने अपराध किया। अब जो प्रूव हो जाएगा न्यायालय उसी के साथ होगा, यानी कि आपने अपराध किया या नहीं किया। ठीक है, तो अगर आपने कोई अपराध किया है, आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। किस धारा में कहा गया है? धारा 41 डी में। अगली धारा है
45। धारा 45 में सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया। क्या सशस्त्र बल जो है यानी फोर्स को यानी आर्मी को उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया, किस धारा में? 45। अगली धारा है 46। धारा 46 में क्या कहा गया? धारा 46 में कहा गया कि महिलाओं को रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या? महिलाओं को रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अपवाद स्वरूप जब ऐसा आदेश मजिस्ट्रेट दे दे, क्या? मजिस्ट्रेट जब ऐसा आदेश दे दे तभी गिरफ्तार किया जा सकता है, नहीं तो महिलाओं को रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगली धारा 48। 48 क्या कहते हैं? क्या धारा 48 क्या कहता है? कि कोई भी व्यक्ति है जिसको पुलिस ढूंढ रही है, क्या? जिसको पुलिस ढूंढ रही है, अब वो भारत के किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे भारत में विकास, उत्तर प्रदेश में विकास दुबे को पुलिस ढूंढ रही है, ढूंढ रही थी। अब विकास दुबे भारत के किसी क्षेत्र में जाए, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे कहीं भी यानी भारत में कहीं भी गिरफ्तार कर सकती है, वहां पर वहां की पुलिस उसे रोकेगी नहीं बल्कि सहायता करेगी। ठीक है, अगली धारा है 54। क्या? अगली धारा है 54। गिरफ्तार व्यक्ति अगर अस्वस्थ है, क्या? अस्वस्थ है यानी आपकी तबीयत खराब है या मानसिक रूप से विचित्र है, तो आपने अपराध किया है तो सबसे पहले आपको कहाँ भेजा जाएगा? परीक्षण में, कि आप सही में स्वस्थ हैं या नहीं, या आप केवल क्या बहाना बना रहे हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपको कोई सजा नहीं दी जा सकती। तो 54 में क्या कहा गया कि गिरफ्तार व्यक्ति का तुरंत क्या किया जाए? स्वास्थ्य परीक्षण की कराया जाए कि व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं। धारा 57। धारा 57 कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या? पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने भेजना अनिवार्य है। क्या? अगर पुलिस ने गिरफ्तार किसी को किया तो 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने भेजना है। अगली धारा 58। क्या? अगली धारा 58, बिना वारंट के गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में सूचना डीएम या एसडीएम के पास भेजना, यानी ऐसे अपराध हैं जी जिसमें व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, जैसे हत्या हो गया, अपहरण हो गया, दंगा हो गया। अब पुलिस ने अगर गिरफ्तार किया ऐसे ऐसे व्यक्ति को तो वो इसकी सूचना डीएम या एसडीएम को देगा, ठीक है, तुरंत। धारा 66। धारा 66 में क्या कहा गया? न्यायालय ने क्या किया? समन भेजा। क्या? समन भेजा या कह सकते हैं नोटिस भेजा किसी व्यक्ति के, किसी व्यक्ति को, यानी जब न्यायालय किसी को बुलाता है अपने सामने सामान्यतः साक्ष्य के संदर्भ में, तो वो समन भेजता है यानी नोटिस भेजता है। अब हो सकता है वो व्यक्ति जिसे न्यायालय ने बुलाया हो वो अलग कहीं भी काम कर रहा हो, क्या? अलग कहीं काम कर रहा हो, तो जब समन निकाला जाएगा तो समन की दो प्रति यानी दो फोटोकॉपी उस कार्यालय में भी भेजी जाएगी जहां पर वह व्यक्ति काम कर रहा है। इसलिए भेजा जाता है कि कार्यालय या जिस संस्थान में काम कर रहा है व्यक्ति को क्या दिया जाए? छुट्टी दे दिया जाए क्योंकि न्यायालय ने उसे बुलाया। ठीक है, धारा 66 में यह कहा गया। धारा 70। धारा 70 में कहा गया कि जब न्यायालय
वारंट निकालता है, क्या वारंट निकालता है, नहीं किसी को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। तो ये वारंट जो है तब तक वैध रहेगा जब तक ये पूरा ना हो जाए। यानी एग्जाम्पल से समझते हैं, न्यायालय ने, जिला न्यायालय ने वारंट निकाला कि विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए। अब ये वारंट कब तक वारंट बना रहेगा? जब तक विकास दुबे को गिरफ्तार ना कर लिया जाए, या यह वारंट न्यायालय द्वारा ही वापस लिया जाए, क्या यह वारंट न्यायालय द्वारा वापस ले लिया जाए, तब ये समाप्त होगा। अगली धारा देखते हैं, धारा 76। धारा 76 क्या कहता है कि पुलिस अधिकारी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे अतिशीघ्र न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। क्या अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो न्यायालय के सामने अतिशीघ्र उसे पेश किया जाएगा। धारा 77। धारा 77 क्या कहता है? धारा 77 ये कहता है कि भारत के किसी भी भाग में, क्या भारत के किसी भी भाग में इसे निष्पादित किया जा सकता है, क्या भारत के किसी भी भाग में इसे निष्पादित किया जा सकता है। यानी कोई भी जो प्रक्रिया चल रही है, क्या कोई भी प्रक्रिया चल रही है तो अब उसका निष्पादन होना है। या जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, हम लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति है जिसका पुलिस पीछा कर रही है, क्या पुलिस पीछा कर रही है, तो भारत के किसी भी भाग में उसे पुलिस पकड़ सकती है, क्या जैसे दिल्ली पुलिस। अब दिल्ली पुलिस आप देखेंगे तो तमिलनाडु में भी किसी व्यक्ति को क्या पकड़ती है। यानी भारत के किसी भाग में भी कोई भी कार्य जो पुलिस करती है उसको निष्पादित किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। अब एक शब्द आता है ट्रांजिट रिमांड, क्या ट्रांजिट रिमांड, क्या होता है ट्रांजिट रिमांड, इसको समझते हैं। न्यायालय के आदेश पर एक जिला से दूसरे जिला में अभियुक्त को लाया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं ट्रांजिट रिमांड। जैसे मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी पंजाब में, पंजाब की जेल में। अब न्यायालय अगर आदेश दे कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में भेजा जाए, क्या उत्तर प्रदेश जेल में भेजा जाए या उत्तर प्रदेश के जिला में भेजा जाए, तो इसे ही क्या बोलेंगे ट्रांजिट रिमांड बोलेंगे, क्या ट्रांजिट रिमांड बोलेंगे। धारा 82, क्या धारा 82, धारा 82 में फरार को, क्या फरार को परिभाषित किया गया है। फरार क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। न्यायालय ने कोई आदेश दिया, क्या न्यायालय ने कोई आदेश दिया किसी व्यक्ति को कि वो न्यायालय में पेश हो, क्या न्यायालय में पेश, किंतु वह व्यक्ति न्यायालय में पेश नहीं होता, क्या न्यायालय में पेश नहीं होता, तो न्यायालय उसे फरार घोषित कर देगा, क्या न्यायालय उसे फरार घोषित कर देगा। अगली धारा 83, क्या धारा 83, अगर न्यायालय ने किसी को फरार घोषित कर दिया तो उसकी संपत्ति को कुरुप किया जा सकता है। कुरुप का मतलब होता है कि आपकी जो संपत्ति है या तो उसको सरकार ले लेगी या उसे बेच देगी, क्या उसे बेच देगी। अगली धारा 93, क्या धारा 93, इसके अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जाता है, क्या तलाशी वारंट जारी किया जाता है, क्या जारी किया जाता है। धारा 97, धारा 97 क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण के समान है। धारा 97 बंदी प्रत्यक्षीकरण के सामने बिल्कुल समान है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। अब पुलिस ने जब जेल भेजा उसे, तो जो अपराध उसने किया है, वो हो सकता है कि वो अपराध ना किया हो, उसने पुलिस ने बिना वजह उसे जेल में भेजा हो। अगर न्यायालय को पता चलता है तो वो एक आदेश देता है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो, यानी बंदी में जो व्यक्ति है उसको हमारे सामने पेश करो। तो यही जो आदेश होता है उसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण, या बंदी को प्रत्यक्ष मतलब सामने लाओ, तो इसी को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।